रांधी वारे मौज फकीर आंधी, मंग तंग के टुकड़े खांदे चल दे चाल अमीर आंधी वारे मौज फकीर आंधी। फकीर भिख मंगे को नहीं खा जाता, जिसने संशय की फाकी कर दी नकली मैं की फाकी करके असली मैं में जग गया, ऐसे फकीर की निगाहें पड़ी। समस्त बेज फकीर थे, मौलाना जलालुद्दीन रोमी का भाग्य बदल गया, सोचने की दृष्टि बदल गई, नजरें बदली, निजारे बदले, किस्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। वो महाभोगी में से महायोगी होकर उभरे। मौलाना जलालुद्दीन रोमी के कई भक्त हो गए और उनके उपदेश का एक सारांश ये कि मौलाना जलालुद्दीन रोमी कहते हैं कि पचासों वर्ष की तरह कलमे और नमाजों की अपेक्षा दो घड़ी फकीरों का सानिध्य ज्यादा हितकारी। तू अगर पत्थर होगा तो फकीर का सानिध्य तुझे मोती बना देगा, अगर तू मोती है बिना बेधा तो संत फकीर के सानिध्य से तू बेधा हुआ मोती बन जाएगा और पिया के गले तक पहुंच जाएगा। ये सत्संग की बड़ी बलियारी है, महिमा है। श्री कृष्ण को कहा जाता है वंदे कृष्णम जगत गुरु। कृष्ण जब बोलते हैं तो किसी कौम विशेष के लिए नहीं बोल रहे, किसी जाति विशेष संप्रदाय मजहब विशेष के लिए नहीं बोलते हैं। कुटुंब का बड़ा जब बोलता है तो परिवार के सब लोगों के हित का ही सोचेगा बोलेगा। ऐसे विश्व नेता श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो विश्व मानव के लिए बोलते हैं। ख्वाजा दिल मोहम्मद लिखते कि गीता ये उर्फानी ग्रंथ है, इसमें 700 श्लोक रूपी पुष्प है, ये अलौकिक गुलदस्ता। हजारों वर्ष बीत गए और लाखों करोड़ों के हाथ गया, फिर भी ये गुलदस्ता मुरझाया नहीं है, इसकी सुगंध कम नहीं हुई, अपितु दिन दूनी और रात चौनी हो रही है। ये गुलदस्ता है श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का, उसको मेरा सलाम है, मेरा प्रणाम। दाराशी को शांति पाने के लिए खूब यत्न किए, किसी ने कहा कि उपनिषदों का अध्ययन करो, काशी में गए, संतों के चरणों में बैठकर उपनिषदों का प्रसाद पाया। औरंगजेब का भाई दाराशी को जब उपनिषदों की गहराई में गया तो वो नकली मैं का जगत भूलकर असली मैं में उसे शांति मिली। दाराशी को ने सोचा कि मेरे इस्लामी उर्दू भाषी फारसी भाषी लोगों को भी इस प्रसाद का फायदा मिलना चाहिए। 17 वर्ष औरंगजेब के भाई दारा शिको ने लगाए उपनिषदों का अनुवाद किया, उर्दू भाषा फारसी भाषा और संस्कृत भाषा की खिचड़ी बनाकर उन्होंने अपने नाम की मोहर लगाकर। हमें आनंद है, हमें कोई फरियाद नहीं है कि हमारी उपनिषदों का इस प्रकार से उन्होंने उपयोग किया और अपना सिंबल लगाया। हम तो ये मानते कि हमारी उपनिषदों का उन्होंने अपने समाज को फायदा दिया, धन्यवाद है, आनंद है, क्योंकि वो भी हमारे भाई है, हमारे मानव है, मानव का मंगल हो बस। हमें ये सिखाया गया है कि सब में एक, एक में सब, चाहे वो अपने को माने न माने, हम तो उसकी गहराई में जानते कि उसी की सत्ता से धड़कन दिल की चलती है। चाहे भी पड़ोसी है नाराज है, मोहन भाई है, कन्हैया भाई है, फलाना भाई है, अभी ऊपर ऊपर से हमारा और उसका मन नहीं मिलता, लेकिन गहरे में तो हमारा और उसका एक ही वजूद है। जय राम जी की। हमारा ये भारतीय तत्व ज्ञान बड़ी विशालता लिए हुए दुनिया के सारे इतिहास की अपेक्षा भारतीय इतिहास गजब का है, दुनिया के और सारे विचारों की अपेक्षा भारत का तत्व ज्ञान अनूठा है। इसकी यहाँ की रीत रिवाज और उत्सवों की गजब की महिमा है, वो तो कभी और प्रसंग पर उस विषय अनुरूप बोलेंगे, अभी तो आज ये बोलना है प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशा। ये प्रकृति में सारे गुण और कर्म होते हैं, लेकिन नकली मैं अपने को कर्ता भोक्ता मानकर बेचारा ठगा जा रहा है। दाराशिकों को जब असली मैं में विश्रांति मिली और दूसरों के लिए असली मैं के द्वार खोलने के लिए उपनिषदों का अनुवाद किया, एक उपनिषद का नाम रखा इल्लो उपनिषद। इल्लो उपनिषद का एक श्लोक आप लोग बोलना। दाराशिकों लिखता है हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम। आप बोलते हैं, सब बोलिएगा, बोलने पे चक्का जाम की असर नहीं पड़ेगी।
हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम। अब हे च फिकर मत, ये तो उर्दू फारसी हो गया, कर्तव्यम संस्कृत आ गया। कर्तव्यम जिकरे खुदा, कर्तव्यम जिकरे खुदा, कर्तव्यम संस्कृत है, जिकर उर्दू है। कर्तव्यम जिकरे खुदा, कर्तव्यम जिकरे खुदा, खुदा ताला प्रसादेना, खुदा ताला प्रसादेना। अब प्रसादेन तीसरी विभक्ति का बहुवचन है, खुदा ताला उर्दू, खुदा ताला प्रसादेना, खुदा ताला प्रसादेना। सर्वकार्यम फते भवेत, सर्वकार्यम फते भवेत। ये श्लोक जहां भी बोलता हूँ वहां की कैसेटें नेता लोग रिवाइज करके फिर वो श्लोक लिखते, फिर पक्का करते और अपने भाषण में भी कभी कभी इसका मजा ले लेते। नारायण हरि।